वेलकम टू न्यू मॉर्निंग इन द कनाडा। और देखो पीछे अपने यार्ड में स्नो भरी पड़ी है। एक आपको काम की खबर बताता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि टाइम हो गया 5:30, 5:24 शाम के हो गए और कल टेम्परेचर -28 था, अभी टेम्परेचर +2 ही है। देखो पल में मासा पल में तोला, बल्कि एक मिनट में सिस्टम चेंज हो जाता है। जब हम आए थे ना कल रात को, हम खाना खा रहे थे, उसके बाद अगले दिन के 5:30 हो गए। अभी मैं उठा हूँ क्योंकि मेरी हालत इतनी जेट लैग वाली हो गई थी कि जब भी इंडिया रात हुई मेरे को यहाँ पे नींद आ गई। ओह यस, तो ये वो चीज़ है जो मैं लेके आया था मणिकरण साहिब से, गुरुद्वारा मणिकरण साहिब से। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। बच्चे के बगैर ना भाई दिल नहीं लग रहा। बच्चे के साथ में रहा हूँ ना वहाँ पे, जब भी मैं उसकी वीडियो कॉल पे शक्ल देखता हूँ ना तो दिमाग ख़राब होता है। यहाँ पे मैं सामान ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार की तरह, आपको मालूम है इस बार भी पैकिंग मैंने की पूरी, मनदीप ने की है। और एक और काम की चीज़ आपको बताता हूँ कि मैंने हेलमेट वहाँ पे यूज़ नहीं किया, ये ऐसे ही गया, ऐसे ही वापस आ गया। ये देखो ये अच्छा तरीका है पैकिंग करने का। ये ना विटामिन डी की लिक्विड शीशियाँ हैं, मैंने ना आने से पहले एक दिन पहले टेस्ट करवाए थे तो टेस्ट में आया था कि विटामिन डी कम है, तो डॉक्टर ने मेरे को लिक्विड की शीशी दी पीने के लिए। ये वाले शूज़ में मेरे में पता क्या है, इसमें भी कोई लिक्विड है। ये देखो ये सॉक्स किसकी हो, मेरी नहीं है। आ जा सांबा, आ जा। ये कर्मा वाली जो अपनी किट है ना भाई, इसने हजारों लाखों मील्स निकाली अपने साथ में, इसका बड़ा साथ रहा है अपने साथ। ये देखो इसके अंदर से पैसे भी निकलते हैं कभी कभी। कितने हैं ये हैं 10 सेंट। लग गए भाई सारी चीज़ें अपनी चार्जिंग पे। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए भाई, एक और नई एनर्जी के साथ में वापस कनाडा में आ गए। कितने दिन ये फील कर, ये बड़ा भूतिया सा लग रहा है ना, इसका ना एक बल्ब जो है ना वो ब्लिंकिंग कर रहा है, कभी बंद होता है कभी चलता है। जब मैं अपने इंडिया वाले घर में LED लाइटें वहाँ पे लगी हुई थी ना, ये देखो ये भी LED है, इसके ऊपर ना कैमरा आगे ऐसे लाइनिंग नहीं करता। लेकिन इंडिया वाले घर में मैंने सारे ब्लॉग जो है आपने देखे ना आईफोन के ऊपर शूट किए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी जो आगे ना एक्सपोजर ख़राब हो रहा था। सत श्री अकाल पापा मम्मी, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। अकेला घर भाई खाने के लिए जाता है, क्या करें। काश अपने काम पर गया हुआ है और छोटा ब्रदर अभी आएगा। अभी मेरे जान में जान आ गई, मैंने रात को, मैंने कैमरे के पीछे तो पहले कल रात को देख लिया दोनों चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ें आपको जान से प्यारी होती ना उनका ख्याल रखना पड़ता है। इनको दोनों को स्टार्ट करते हैं। मेरे चाबी जेब में है ना, इसलिए अपने आप खुल गई है। कुछ एक बंदे नए जुड़े होंगे तो उनके लिए ये, उन्होंने अगर वीडियो नहीं देखी पुरानी तो ये उनके लिए पहली बार होगा। कैमरे में मैं अपनी जेब के अंदर एंटर हुआ और इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तकरीबन महीने के बाद में। टायर प्रेशर में हवा अपने आप भरेगी, अभी देखना ये अनअवेलेबल आ रहा है ना, जैसे आप लोगों को पहले भी मालूम है, लेकिन लेते हैं ऊपर वाले का नाम बाबा जी। ये वाली बेन मेरे को साइड पे करके आनी पड़ेगी। इतनी स्नो तो हमारे लिए आम ही होती है, देखो कितनी होगी ये 4 इंच होगी, मैंने 4-5 इंच। और ये वाला दरख्त देखो अपना, जो जहाँ पे यू हॉल आके गिर गया था ना, उसने ये वाला दरख्त कहाँ देखो कहाँ टेढ़ा कर दिया, वो दरख्त वहाँ पे लगा हुआ था, सारे का सारा दरख्त ही उखाड़ दिया यहाँ से। कितनी मुश्किल से बड़ा हो रहा था, इसने अपने को शान देनी थी आगे वाले आने वाले टाइम में, लेकिन सारा सिस्टम ख़राब कर दिया। कोई गैस कर सकता है कि ये कितनी देर में जाएगा टायर प्रेशर वाला? आप लोगों को क्या लग रहा है सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा गाड़ी निकाल के? तो सबसे पहले जिन बंदों ने तो सही गैस किया उनको तो मालूम पड़ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मैं आया हूँ भाई सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब में बाबा जी का शुक्रिया करने के लिए। और ये देखो टायर प्रेशर हो गया ना सही, 31-32। अभी मेरे को स्पीड वाला मीटर चाहिए ऐसा। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं ना होती, वैसे तो हर टाइम बंदे के पास में प्रॉब्लम ही रहती है, लेकिन कभी कभी हमारा टाइम बड़ा अच्छा जा रहा होता है, हम ऊपर वाले को भूल जाते हैं। लेकिन जिस भी ऊपर वाले को आप याद करते हो ना, हमारे बड़ों ने कहा है कि सुख वेले उसका शुक्राना करो कि हाँ भाई सब कुछ बाबा जी ठीक चल रहा है, और दुख वेले अरदास करो कि बाबा जी ये अरदास है
तो वो अपने आप सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो हर टाइम मीन्स की मतलब यही कि हर टाइम उसको याद करना है, ऐसा नहीं कि अच्छे टाइम में उसको भूल जाना है। मेरे को पता क्या डर लग रहा था कि जब मैं वापस जाऊंगा ना मेरे को लेफ्ट और राइट का बड़ा चक्कर रहेगा दिमाग में कि लेफ्ट साइड राइट साइड, क्योंकि वहां पे अभी 2 महीने पूरा राइट साइड में मैंने खुद कितनी गाड़ी ड्राइव की है। सारा सिस्टम सही रहा बाबा जी की कृपा से, मैं घर से निकला हूं ना तो मेरे को प्रॉपर याद है कि मैंने लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग है और मैंने गाड़ी जो है राइट साइड में चलानी है। काम के लिए जो भी सामान अपने को चाहिए ना सारा यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा एक ही स्टोर में से। अभी ये इतनी बड़ी मैं क्या करूँगा, अपने को चाहिए छोटी पैकिंग ट्रैवल वाली, जितनी छोटी हो सके उतना अच्छा है। और जैसे ही हम काउंटर पे आए यहाँ पे लगी हुई लंबी लाइन, ये अपने बड़ा काम आएगा। इसमें 300 कर लगेगी, आगे एक लगा के आगे 3 निकलेगी। ना ना करते करते भाई फिर भी $150 का सामान मैंने ले गया, $150 हो गए। बहुत सारा सामान ऐसा था जो काम पे जरूरी चाहिए था। बार बार इसकी वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, बड़ी फील आ रही है। जाने पिछाने लगने कितना ओ प्रावा पैरी पा गोडे तोड़ने बहुत वधिया, तुसी सुनाओ ठीक ठाक बहुत वधिया, नहीं एनका जी वधिया लगने आ खतरनाक तरीके ना वेना तू एनका दे विचों दी एनका ता करा मासा करिए करी फिर देखी किदा ऐ देखी ऐ विचों दी। ये भी बड़ा डेंजर काम है, अपनी बाह बाहर निकाल के ना तो वहां से पैसे जब उठाने पीछे वाला आए बंदा ऐसे झपट्टा मार के लेके जाएगा फिर बंदा क्या करेगा। ड्राइव थ्रू ATM है ना भाई, ये भी खतरनाक चीज ही है, आगे पीछे ध्यान रखना पड़ता है। अभी माहौल वो वाले रहे नहीं जो पहले थे। Tomorrow. आज सारा दिन घर पे ही निकल गया, पता क्यों? बुखार हो गया था। वीडियो भी बीच में रह गई, सारा कुछ बीच में रह गया। हमारे पास बचा तो क्या बचा, एक कच्छा और टी शर्ट। सारा सामान रेडी होगा, देखो ये वाली साइड सारी मेरी काम पे जाने वाली होगी। थोड़ी वीडियो छोटी होगी क्योंकि मैं थोड़ा सारा दिन आज वो मंजा अपना सामने वो वाला अपना मंजा पूरा सारा दिन हमारे साथ में रहा, मैं उस ब्लैंकेट में रहा। बस मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में। एपिसोड क्या, एक नई सीरीज शुरू होने वाली है। बस ऊपर वाले से अरदास है कि वो वाली सीरीज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीरीज होगी, तो सही सलामत जानी चाहिए। बस सुबह अरदास करके फिर निकलते हैं। लाइक कर दो, चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर आगे वाली सीरीज का मजा लेना, और ये वाली वीडियो को शेयर कर दो जिन बंदों को ये वाली जो सीरीज होने वाली ना, अगर सही सलामत मैंने सीरीज सारी कर दी और वापस आ गया तो समझ लो कि ऊपर वाले का बड़ा शुक्रिया हो जाएगा। क्योंकि मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, टिल देन अपना और अपने बार का ख्याल रखो, रब राखा। इतना सफर करके आए थोड़ी बहुत सेहत तो फिर इधर हो ही जाती है भाई। Bonnie and Clyde, you can have whatever you like when it's you and I.